नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां पर दोस्तों अम्बाला एयरपोर्ट अभी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है फ्लाइट्स के लिए। और यहां पर ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि 15 अगस्त के आसपास इसको ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों अम्बाला एयरपोर्ट अभी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। बेसिकली हमारी इंडियन एयरफोर्स के अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन के बगल में इसको बनाया जा रहा है, और इंडियन एयरफोर्स की जो एग्जिस्टिंग एयरशिप है उसी का इस्तेमाल फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर किया जाएगा। 20 एकड़ के एरिया में नई टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है जो मिनिमम 200 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी। रनवे और दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज होती हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 20 करोड़ रुपीज़ इस टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, और अभी 6 महीने से इसका कंस्ट्रक्शन जारी है। और क्योंकि 6 महीने इसकी ऑफिशियल डेडलाइन भी थी, तो आप कह सकते हैं कि इसका काम ट्रैक पर ही है। अम्बाला श्रीनगर, अम्बाला से वाराणसी, अम्बाला से जयपुर, अमृतसर, दिल्ली, इस तरह की प्लेसेस को पहले फेज में कनेक्ट किया जाएगा। अगली दो अपडेट कुछ ओवरसीज प्लेयर से है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार पैसिफिक ओशन में भी भारत की प्रेजेंस को अभी और बढ़ाने वाला है, और इसके लिए मार्शल आइलैंड्स में वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। दोस्तों भी आप जानते हैं कि चाइना जैसी कंट्रीज को काउंटर करने के लिए हमें अलग अलग कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने होंगे, स्पेसिफिकली वो कंट्रीज जो कि ओशन एरियाज में उनकी प्रेजेंस रखती हैं। इंडियन ओशन में श्रीलंका, मॉरिशस, इस तरह की कंट्रीज के साथ में हमारे अच्छे खासे रिलेशन हैं। लेकिन अब पैसिफिक ओशन में भी इसी तरह की स्ट्रेटजी को एक्सपांड किया जाएगा। मार्शल आइलैंड्स जो कि असले के काफी पास में लोकेटेड है, यहाँ पर भारत सरकार कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स के ऊपर काम करेगी, जिसके अंतर्गत इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स और फंड्स दिए जाएंगे। एक कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर, एक एयरपोर्ट टर्मिनल, दो कम्युनिटी सेंटर्स, हेल्थ केयर के एरिया में अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पर बनाने की बात की गई है। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों सिंगापुर बेस्ड सेमकोर इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा उनके इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को अभी फास्ट बेसिस पर डाल दिया गया है, और अभी इसको लेकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों बेसिकली इस साल के स्टार्टिंग में इस कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया था एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लेकर, जहां पर इनका कहना था कि ये 36,000 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट 36,238 करोड़ रुपीज की होगी, और तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में प्लांट बनाया जाएगा। इसी के लिए अभी इनिशियल वर्क स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग डिजाइन स्टडी के लिए इटली बेस्ड एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो कि इसका डिजाइन तैयार करेगी, जिससे पता चल पाएगा कि कैसे इस ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट को बनाया जाएगा और कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। एक ग्रीन अमोनिया प्लांट भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है, और इनका कहना है कि इंडियन मार्केट के लिए तो चीजें बनाई ही जाएंगी, साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को जापान में एक्सपोर्ट भी करेंगी। कुल मिलाकर 1500 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी, और होपफुली जल्द इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगा। अगली दो अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के लिए मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा एक और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को तैयार कर लिया गया है, और इसके थ्रू हमारे इंपोर्ट बिल्स और रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों डिफेंस आइटम्स के मामले में भारत दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर माना जाता है। हर छोटी से लेकर बड़ी डिफेंस आइटम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारी डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट खोजे हैं जिनको अब भारत में ही बनाया जा रहा है। अभी तक टोटल 4 इस तरह की लिस्ट को रिलीज किया गया था, और पिछले 3 सालों के अंदर अंदर कुल मिलाकर 12,300 डिफेंस आइटम्स को इंडिजिनाइज कर दिया गया है, जिसके चलते 7,572 करोड़ किसके हमारे इंपोर्ट बिल्स रिड्यूस हुए हैं। अभी इस सीरीज में 5th लिस्ट थी, इसमें 346 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, और इसके चलते 1,048 करोड़ किसके इंपोर्ट बिल्स हमारे और रिड्यूस हो पाएंगे, और आगे से इन सब चीज़ों के ऑर्डर्स डोमेस्टिक वेंडर्स को ही दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं कि हम यहाँ पर प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी काम करना बाकी है। ओवरऑल 36,000 डिफेंस आइटम्स को हमारे मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए, और उसमें से अभी 12,000 को हमने अचीव कर लिया है। धीरे धीरे और चीज़ें भी अचीव की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप और असम गवर्नमेंट के बीच में लैंड डील साइन कर ली गई है सेमी कंडक्टर प्लांट को लेकर, और फाइनली आप कह सकते हैं कि अब असम में भी सेमी कंडक्टर प्लांट के ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप के द्वारा भारत में 2 सेमी कंडक्टर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, एक धोलेरा में बन रहा है जो कि एक फैब्रिकेशन प्लांट होगा, और एक असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा जो कि एक ATMP प्लांट होगा। 27,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो करने वाले हैं, और अभी जो लैंड आइडेंटिफाई की गई है वो हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फॉर्मर साइट है जहाँ पर वो पहले कभी काम किया करते थे। 3 की प्लेटफॉर्म्स वायरबोर्ड, फ्लिप चिप और ISP टेक्नोलॉजीज, इन चीज़ों को फोकस रखते हुए इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। 470 एकड़ के एरिया में फैला होगा, और अभी जो लैंड लीज एग्रीमेंट साइन किया गया है ये अगले 60 सालों के लिए है। जिस तरह की प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही हैं, टाटा ग्रुप का कहना है कि अगले साल के अंदर अंदर इस सेमी कंडक्टर प्लांट का पहला फेज तैयार हो जाएगा। अगली दो अपडेट यूपी से है, जहाँ पर दोस्तों फाइनली 10 साल के गैप के बाद यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गाजियाबाद के लिए नया बायोडाइवर्सिटी पार्क अप्रूव कर दिया गया है, और होपफुली अब इसके ऊपर काम हो पाएगा। दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी पार्क एक काफी लॉन्ग प्लांट प्रोजेक्ट है, 2014 में इसका प्लान सामने रखा गया था,
ताकि गाजियाबाद के वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड एरियाज में पोल्यूशन को कम किया जाए, लेकिन इसको कभी अप्रूवल मिल ही नहीं पाई थी। अभी इसको अप्रूवल मिल गई है, महामाया स्टेडियम के पास इसको बनाया जाएगा, जो फैला होगा 62 एकड़ के एरिया में। 450 अलग अलग टाइप के श्रब्स और ट्रीज यहाँ पर प्लांट किए जाएंगे। 2.5 एकड़ के एरिया में कई सारे अलग अलग पॉन्ड्स यहाँ पर बनाए जाने हैं। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट गेट्स, पार्किंग एरियाज, रेस्टोरेंट्स, एम्फी थिएटर्स, ग्रासलैंड्स, गार्डन्स, अर्बन फॉरेस्ट, इस तरह की अलग अलग चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर 17 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अमृत स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर फंड्स इशू करेगी, तो कह सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे खासे पेस पर होता रहेगा और होपफुली अगले एक साल के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गोवा से है, जहाँ पर दोस्तों एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गोवा में एक नया 6 लेन का रोड तैयार कर दिया गया है। और इसका इनोग्रेशन करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों इस 6 लेन रोड अशोका बिल्ड को लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसकी मेन हाईलाइट एक एलिवेटेड वायाडक्ट है। वैसे तो ओवरऑल इस रोड की लेंथ 7 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वायाडक्ट जो कि इसका मेन हिस्सा है उसकी लेंथ 2.7 किलोमीटर के आसपास है। और ये मेनली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे 166S पर धारगल से कनेक्ट करता है, जिसके चलते कई सारे अलग अलग एरियाज डायरेक्टली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। 4 रोड ओवरब्रिजेस और 4 लाख का एक इंटरचेंज भी यहाँ पर बनाया गया है अलग अलग एरियाज को इससे जोड़ने के लिए। और अभी क्योंकि इसको ओपन कर दिया गया है तो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों पामबन रेलवे ब्रिज को लेकर हमारी रेलवे के द्वारा कुछ प्रोग्रेस डेटा हमारे सामने रखा गया है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिस हिसाब से प्रिपरेशंस यहाँ पर चल रही हैं, अगले 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर प्रॉपर ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों न्यू पामबन ब्रिज आप कह सकते हैं कि हमारी रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ओशन में इसको बनाया जा रहा है। मेनलैंड इंडिया के मंडपम टाउन को पामबन आइलैंड के रामेश्वरम से जोड़ेगा। 2.07 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और ये हमारे देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा, जो कि 1 सेंचुरी पुराने एग्जिस्टिंग ब्रिज को रिप्लेस करेगा। टोटल 90 हॉरिजॉन्टल स्पैस यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, हर एक की लेंथ 18.3 मीटर के आसपास है। अभी सदर्न रेलवे के अकॉर्डिंग 90% कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है, और जितना हिस्सा इसका भी अब कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर लाइट इंजन ट्रायल रन भी कंडक्ट किया गया था, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया है। और क्योंकि रिमेनिंग 10% काम अगले 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रायल रन स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्त अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ का IT लैंडस्केप आपको और अभी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिकन फर्म जेनपैक्ट और इंडियन फर्म साइफी टेक्नोलॉजीज ने डिसाइड किया कि वो लखनऊ में उनकी नई यूनिट्स को सेटअप करेंगे। दोस्तों IT के एरिया में लखनऊ ऑलरेडी एक अच्छा खासा नाम रखता है। HCL, TCS इस तरह की कंपनीज ऑलरेडी लखनऊ में ऑपरेट कर रही हैं और उनके अच्छे खासे यहाँ पर कैंपस बने हुए हैं। ये कंपनीज लेटेस्ट एडिशन होंगी लखनऊ के IT एरिया में। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर नहीं बताई गई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, लेकिन 400 से 800 करोड़ रुपीज़ के आसपास ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसके चलते कुल मिलाकर 10,000 से लेकर 15,000 तक जॉब्स जनरेट हो पाएंगी, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी इन दोनों प्रपोजल्स को UP गवर्नमेंट के पास में पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर इनको असेस किया जा रहा है। होपफुली जल्द ही इनको अप्रूवल मिल जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से है, जहाँ पर दोस्तों इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत अभी NHRCL ने एक और ब्रिज कम्प्लीट कर दिया है, और ये इस कॉरिडोर में बनने वाला ओवरऑल 9th ब्रिज था, जिसको गुजरात स्टेट में बनाया गया है। दोस्तों ये ब्रिज स्पेसिफिकली वापी और बिलीमोरा के बीच जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहे हैं उनके बीच में बनकर तैयार हुआ है। कोलक रिवर के ऊपर 160 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जिसमें 4 फुल स्पैन गटर्स लगाए गए हैं 40-40 मीटर के। इसके अलावा NHRCL का ये भी कहना है कि 194 किलोमीटर के वायाडक्ट और 322 किलोमीटर तक का पियर वर्क भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। और जिस हिसाब से काम यहाँ पर चल रहा है, अभी 4-5 और ब्रिज ऑलमोस्ट 90% तक कम्प्लीट हो चुके हैं, अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर उनको भी तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।